हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के फिर से एक नए एक्साइटेड वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बम्पर भर्ती निकल के आई है दोस्तों, जो कि 4000 पोस्टों की भर्ती है। तो इसमें योग्यता क्या होगा दोस्तों, और इसमें क्या कौन कौन से एग्जाम होगा सब कुछ बताऊँगा, और इसकी ऑफलाइन ऑनलाइन डेट कब से शुरू होगी वो सब कुछ बारे में बताऊंगा। उससे पहले जरूरी बात आपके लिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को दोस्तों, और सामने एक बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन प्रेस करके और कोशिश कर लेना। ऐसे क्या होगी, जितने भी सारे मैं भर्ती की जानकारी लाता हूँ दोस्तों, आप सबसे पहले यूट्यूब पर पास सुनते। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो भर्ती है दोस्तों आरआरबी टीसी रिक्रूटमेंट 2021 है दोस्तों, जो कि 4000 पोस्टों की टीसी की ये भर्ती होगी दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों indianrailway.gov.in दोस्तों। इसमें जो जोन के लिए भर्ती है, जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, NCR के नॉर्थ सेंट्रल जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, साउथर्न जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थर्न जोन, मेट्रो एंड एक्स्ट्रा के ये भर्ती दोस्तों सब जोन के लिए आई है दोस्तों। और इस भर्ती की बात करते हैं दोस्तों, ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेम और पोस्ट की बात करें तो टिकट कंट्रोलर यानी टिकट कलेक्टर यानी कि गार्ड की ये भर्ती है दोस्तों। उसके बाद बात की तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 4000 पोस्ट की भर्ती है दोस्तों। अप्लाईमेंट की बात करें तो ऑनलाइन के जरिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन की बात की दोस्तों, उधर से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट होगा दोस्तों। अगर इस भर्ती की बात करते दोस्तों, ये जॉब लोकेशन की बात की तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों indianrailway.gov.in पर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर इस भर्ती का और भी डिटेल्स बात की, इसमें जो पोस्ट है दोस्तों टिकट कलेक्टर की 4000 पोस्टों की ये भर्ती होगी दोस्तों, और गुड गार्ड्स की 1000 की पोस्ट है। टोटल पोस्ट होगा दोस्तों 4000 पोस्ट की ये भर्ती है दोस्तों। अगर इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों एलिजिबिलिटी के लिए जैसे ही देख पा रहे हैं, अगर आप 12वीं पास हैं दोस्तों प्लस आपके 50% 12वीं में हैं, तो इसमें आप यानी कि 50% है कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी आप सब्जेक्ट से पास किए लेकिन 50% अगर मार्क है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 12वीं में दोस्तों। अगर आप डिप्लोमा भी किए तो बीच में आप अप्लाई। एज की बात की दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं एज आपको लीजिएगा इस भर्ती में दोस्तों, अगर आप 18 ईयर है तो 1 अगस्त इसकी काउंट होगा, 1 अगस्त इस काउंट होगा, यानी कि 18 ईयर आपकी एज होना चाहिए दोस्तों, और मैक्सिमम एज दोस्तों 29 ईयर इसमें आपकी एज होना चाहिए दोस्तों। अगर इस भर्ती की बात करें तो दोस्तों पहले जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद दोस्तों साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा दोस्तों, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें ली जाएगी दोस्तों, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसमें छोटी सी एक इंटरव्यू आपकी ली जाएगी दोस्तों। और इस भर्ती की सैलरी की बात करें दोस्तों, 20,200 रुपये से लेकर आपको ग्रेड पे मिल जाएगी 1900 के पहले ग्रेड पे, और मैक्सिमम पे की बात करें तो 52,000 दोस्तों 200 रुपये आपको इसमें ग्रेड पे मिल जाएंगे दोस्तों। इस भर्ती की बात करें तो इसमें जो और भी बहुत सारे डिटेल, जैसे कि एग्जाम की बात करें तो पहले प्रीलिम्स होगा दोस्तों, प्रीलिम्स में आपकी एग्जाम होंगे दोस्तों एरिथमेटिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, और मार्क अवर्ड की बात करें 20 मार्क होंगे, 1 अवर के क्वेश्चन होंगे, इसके बाद रीजनिंग की 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क की बात करें तो 100 क्वेश्चन की है। उसके बाद मेंस एग्जाम की बात करें दोस्तों, पहले इसमें एरिथमेटिक टेस्ट होगा तो उसमें आपको 30 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद रीजनिंग होंगे दोस्तों, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में भी 30 क्वेश्चन होंगे एंड जनरल साइंस में भी 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क की बात की तो इसमें भी 120 यानी कि 120 मार्क की इसमें आपकी एग्ज़ाम होगी दोस्तों। अगर इस भर्ती की बात करें तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक्सटर्मेटिव एबिलिटी, जनरल रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस की ये एग्ज़ाम होगी जीएस में दोस्तों। अगर बात करें इसकी ऑफलाइन ऑनलाइन डेट की तो ये दोस्तों अगस्त या सेप्टेम्बर के लास्ट वीक में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकती है, तो ये भर्ती जब आ जाएगी तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर देना, चैनल में न्यू है सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।